नमस्ते सत्याकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मोहम्मद अली मिर्जा की एक वीडियो के ऊपर, जो जिसमें उन्होंने बताया है कि बुर्का पहनना क्या वाकई ही जरूरी है या नहीं है। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है औरतों का बुर्का पहनना बिदात, शेख अब्दुल कादरी मदद करते हैं। बुर्का सुन्नत है या बिदत, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म नहीं दिया, कुरान में सिर्फ चादर का है। तो ये चीजें कल्चरल है ना मेरे भाई, कौन कहता है कि बुर्का पहनना जरूरी है, चादर ले आप। ईरान में औरतें जो है वो चादरें लेती हैं, इतनी बड़ी चादर है, यहां पे भी ईरानी चादर मिल जाती है, वो यूं ले के यहां से उन्होंने पकड़ी होती है, हज उमरे पे आपको औरतें ईरानी वो काली चादरें लेती हैं, तो चादर ले। लेकिन वो चादर वो फिर किस तरह की होगी कि औरतों के जिस्म की नुमाइश नहीं होनी चाहिए, कोई मुनक्कश चादरें नहीं होनी चाहिए। बुर्का जरा कंफर्टेबल है, जिस तरह नबी इस्लाम तहमत पहनते थे। आप शलवार क्यों पहनते हैं मेरे भाई, आप पैंट क्यों पहनते हैं? इसलिए कि ये ज्यादा सेफ लिबास है उसकी निस्बत। सुन्न इब्ने माजा में मौजूद है, नबी इस्लाम ने पजामे को पसंद फरमाया, खरीदा, लेकिन पहनने से पहले आपकी डेथ होगी। आपके नजदीक भी शलवार तहमत से ज्यादा पसंदीदा है, अगरचे आपने पूरी जिंदगी पहनी नहीं लेकिन खरीदी है। आज अगर अल्लाह के नबी दुनिया में मौजूद होते हैं तो बुरके को प्रेफरेबल करते हैं चादर की निस्बत। चादर तो बड़ी खतरनाक है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। मोटर बाइक पे अक्सर औरतें गिरती हैं बुरके की वजह से, वो इतने चौड़े चौड़े उन्होंने बुरके सिलवाए हैं भाई, दरमियाना सा बुरका हो और उसे भी समेट के नहीं। और चादर हो ना तो आपको हर दूसरे दिन इस तरह के वाकयात मिले। हाँ, अगर आपने गाड़ी में सफर करना है, किसी फंक्शन पे गए हैं, तो ठीक है, चादर वो फिर उसी तरीके से करें। आजकल तो बड़ा आसान है, आप तो चेहरे का नकाब करना भी कोई इशू नहीं रहा, मास्क पहन लें। पहले औरतों को होता था जी पिन्ने लगानी पड़ती हैं, वो खुल जाता है जी हिजाब, तो ठीक है, बड़े बड़े मास्क आ गए हुए हैं, मुख्तलिफ रंगों के आ गए हैं, बल्कि अब तो वो सूटों के साथ मैचिंग आ गए हैं, ठीक है, इतना इसके अंदर भी आप जिद्दत आ गई हुई है। तो वो लेकिन वो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए कि अट्रैक्टफुल हो, सादगी होनी चाहिए। तो हमने कब कहा ये चीजें कल्चरल है मेरे भाई। शादी के ऊपर सलामी देना, मौलवी को पैसे देना निकाह पढ़ाने के, हाँ, ऊंट और घोड़े की बजाय बीवी को कार में लेके आना, ये सारी की सारी चीजें कल्चरल हैं। और कल्चरल चीजें जो होती हैं उनमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई चीज ना हो, कुरान और सुन्नत से दलील उसकी जरूरत नहीं है। और जो दीनी एक्टिविटीज हैं प्योरली, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, या निकाह के लिए जो शर्त है इजाबो कबूल, गवाहों की मौजूदगी, हक महर, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, बाकी सारी चीजें ट्रेडिशनल, उनको ट्रेडिशन पे छोड़ा गया। इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए, सिर्फ अरब के लोगों के लिए तो नहीं है, वरना तो हम यहां पर आप लोगों के ऊपर पगड़ी फर्ज कर देते। लेकिन अरब में काफिर भी पगड़ी पहनते थे, मुसलमान भी पहनते थे, रेगिस्तानी माहौल की। हम तो नबी इस्लाम से एक मोहब्बत के इजहार के लिए पगड़ी पहनते हैं, अदरवाइज हम ये नहीं समझते हैं कि जी पगड़ी में पढ़ोगे तो नमाज ज्यादा सवाब होगा और टोपी में कम होगा, नहीं, एक मोहब्बत का इजहार है। मैं तहमत भी इस्तेमाल कर लेता हूं, कुर्ता पहनता हूं, लेकिन अगर कोई बटनों वाले भी पहन लेता है देन व्हाट यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं वो कॉलर दूसरे वाला नहीं, ये आप कोई दूसरा भी कॉलर कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है उससे? ये कल्चरल चीज है, इसको कोई। हमारे कॉलेज के एक टीचर हैं जो अक्सर क्लास में लेक्चर से पहले ये कहते हैं कि गौसे पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी का ये बरमरा ऐलान है कि अगर किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो तो मेरे वसीले से दुआ मांगे, खुदा उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। इसका मैं जवाब बड़ा अच्छा दे सकता हूं, लेकिन मैं इसका पॉजिटिव जवाब देता हूं कि अपने उस्ताद से कहें कि शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह के वसीले से यह दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह, जिस तरीके पर शेख अब्दुल कादर जिलानी नमाज पढ़ते थे, तुझे शेख अब्दुल कादर जिलानी का वास्ता, मुझे भी उस तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक दे, क्योंकि वो तो औलिया अल्लाह के सरदार हैं बकौल इनकी डॉक्टर के। ऐ अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी उनके नाम पे ग्यारहवीं खाई और खिलाई, एक दफा मुझे ये बता दे कि वो नमाज किस तरीके में पढ़ते थे, तो वो दुआ समझे आज ही आपकी कबूल होगी। मैं आपको अभी बता देता हूं दुआ कबूल। गुनिये तो तालबीन जाके खरीदे, बरेलवी है तो कादरी पब्लिकेशन की खरीद लें, अहले हदीस तो माशाल्लाह पहले ही उस तरीके में नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी ये छापी हुई है, देवबंद भी अपनी खरीद लें, शुरू में उन्होंने नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ल यदैन। अब आपने ये नहीं कहना कि हम मनफी हैं, फिर हमसे पूछेंगे कि
आप हनफी हैं और शेख अब्दुल कादर जिलानी को पूरी जिंदगी पता ही नहीं चला कि नमाज का वो तरीका वो करते रहे जो अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया था। आप कहते हैं ना वो घोड़ों की धुमों वाली रवायत लगाते हैं इसके ऊपर, जो बिल्कुल लग थी सही मुस्लिम की। तो शेख अब्दुल कादर जिलानी जिसको पूरी जिंदगी ये नहीं पता चला कि नमाज किस तरीके पर पढ़नी चाहिए, तो वो फिर आपको अल्लाह तक क्या पहुंचाएंगे? उड़ना थूक सकते हो तो ना निकल सकते हो, ठीक है ना जी। तो वसीले वसूले तो रह गए साइड थे। वैसे टेक्निकली आपने वसीला और तवसुल को समझना है तो आप वसीला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखें, मसला नंबर 43, वो भी वसीला और तवसुल पे है, कई एक वीडियोस हैं वो आप देखें। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जो औरतें हैं उनको अपने आप को कवर करना चाहिए, और वो चाहे किसी भी ढंग से करें, चाहे वो बुरके में करें, हिजाब में करें, चाहे चादर लेकर करें, मेन पर्पस यही है कि अपनी बॉडी को कवर करना चाहिए। ये नहीं इंसान कह सकता कि बुरका है तो मैंने ज्यादा अच्छे से कवर कर रखा है और अगर चादर ले रखी है तो उन्होंने कवर नहीं कर रखा। लेकिन अगर चादर को प्रॉपरली रैप किया हुआ है आपने अपने बॉडी के ऊपर में, जिससे कि आपकी बॉडी रिवील नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि मतलब आपने सिर्फ सर और फेस कवर कर लिया बाकी आपकी पूरी बॉडी दिख रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एंड पर्पस वही है कि अपने आप को कवर करके रखना। तो इसमें भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि उस टाइम पे भी ये चीज़ होती थी, उस टाइम पे क्योंकि स्टिचिंग वगैरह नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो इसीलिए नॉर्मल लोग चादर ले लेते थे। और आजकल तो इतनी ज़्यादा हर चीज़ में एडवांसमेंट हो गई है, हर चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से इन्हांस किया जाता है ताकि वो थोड़ा अच्छे भी लगे। आजकल तो बुरके भी इतने खूबसूरत आने लग गए हैं कि वो आपके ड्रेस से ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इसीलिए अगर इंसान वो बुरका पहनता है तो वो भी बिल्कुल ठीक है, और अगर चादर लेता है प्रॉपरली कवर करता है अपने आप को वो भी ठीक है, हिजाब पहनते वो भी बेटर है। तो मतलब जैसे कि उन्होंने मास्क का भी एग्जांपल दिया कि अगर आप मास्क से भी फेस कवर करते हो तो मेन पर्पस आपका वही है कि अपने आप को कवर करना है, फेस को कवर करना है, वो चाहे मास्क से करो, चाहे आप हिजाब पहन के करो, चाहे बुरका पहन के, चाहे चादर लेकर करो। और जैसे कि लड़कों के कुर्ते के लिए उन्होंने बोला कि कुर्ते भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि अगर ऐसा फैशनेबल थोड़ा कपड़ा पहन लिया है तो आप ये नहीं कहोगे कि अरे भैया इसे तो अच्छे से पहनना नहीं है। तो कुछ भी पहनो, बस जो एंड पर्पस है वो यही है कि अपने आप को कवर करके रखना है। और हाँ, मेन चीज है कि इमोडेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके कि जो कपड़े हैं वो आपकी बॉडी को रिवील कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज तो सब ठीक ही है, मतलब आप जैसे भी अपने आप को कवर करते हो, चाहे बुरके से, चादर से, चाहे हिजाब से, वो तीनों ही अच्छे हैं। तो बहुत ही अच्छे से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बताया है इस वीडियो में, और आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।